तो अभी हम नीचे जा रहे हैं और सामने मस्त पहाड़ दिख रहे हैं, तो आई थॉट कि ये देखना चाहिए आप लोगों को। और माउंटेन्स आर टू गुड टू सी एंड सेक्सी मैन, सेक्सी, इट्स टू सेक्सी। यहाँ पे अब ये एक ट्रेडिशनल घर जो सामने आप देख रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल काइंड ऑफ हाउस जो कि हिमाचल में मिलते हैं ऐसे देखने को, एंड आगे शायद हमको काफ़ी ज़्यादा मिले देखने को। छतें स्लेट की सिर्फ हिमाचल में देखने को मिलती हैं। स्लेट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट स्लेट बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक्स ऑफ माउंटेन्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स वो होती हैं जो लेयर पे लेयर करके बनती हैं, तो उन मेटामॉर्फिक रॉक्स माउंटेन से स्टोन्स काट के निकालते हैं, उनको स्लाइसेस, मतलब बेसिकली स्लाइसेस निकालते हैं उन रॉक्स के, वो स्लाइसेस ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं बिकॉज इट ऑल लेयर्ड माउंटेन्स, तो उनसे वो अपनी छत बनाते हैं। फिर अभी भी बनाते हैं, मेरे घर धर्मशाला में भी अभी तक कुछ लोग ऐसी बनाते हैं, और ऐसी क्वेरीज भी हैं, मतलब देर अ क्वेरी इन धर्मशाला जहाँ पे वो स्लेट का काम होता है, पहाड़ों से स्लेट निकालते हैं। स्लेट आपको याद होगा बचपन में हम, अब तो खैर ज़माना नया हो गया है, बचपन में कॉपी किताब और पेन पेंसिल मिल जाते हैं हमको, बट आई रिमेम्बर इन माई चाइल्डहुड आई एम वेरी, अब मैं ऐसे बोलूँगा तो आप सब बोलेंगे एंशिएंट है रे बंदा, बहुत बूढ़ा है भाई, ना 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 ना, बट इन माई चाइल्डहुड मेरे एंशियंट हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए हमें स्लेट में लिखाते, कुछ आई थिंक केजी क्लास फर्स्ट क्लास में स्लेट में लिखाते थे। स्लेट इज मतलब ब्लैक बोर्ड या काइंड ऑफ हैंडल्ड ब्लैक बोर्ड, इसमें चौक से लिखते थे, तो बोलते थे कि उससे एक तो पेपर की वेस्टेज नहीं होती थी, एंशियंट थिंग्स, इफ आई एम एंशियंट एंड एंशियंट थिंग्स आर टू गुड, और दूसरा हैंड राइटिंग भी अच्छी होती थी। आज भी अगर आप गाँव में जाएँ हिमाचली गाँव में, तो आई थिंक आज भी बेसिक जो एजुकेशन स्टार्ट होती है वो स्लेट्स में स्टार्ट होती है, चिल्ड्रन राइट ऑन स्लेट्स विद चॉक, हम हिंदी में उसको स्लेटी बोलते थे, स्लेट में स्लेटी, स्लेटी स्लेटी से लिख लो स्लेट में, चॉक को स्लेटी बोलते थे, मतलब दोज द टाइम्स मैन, दोज गुड ओल्ड डेज, आई मिस देम। और ये हमारे दिल्ली के बाइकर भाई, एकदम इन्होंने वाटर प्रूफिंग कर रखी है अपने सामान की, एक बूंद पानी अंदर नहीं घुस सकता है, राइनॉक्स की जैकेट पहनी है भाई ने, एंड आई लव राइनॉक्स, मेरे बैग भी राइनॉक्स की हैं। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि रोड्स बनाए कैसे होंगे, इट वुड बी अ, इट इज अ जायंट लीप फॉर कनेक्टिंग ऑल दोस प्लेसेस विच वुड हैव बीन जस्ट कनेक्टेड बाय द ट्रैक्स मेड ऑन द साइड ऑफ द रिवर्स। ये रोड काट के बनाया, और ये पत्थर कैसे काटे होंगे, इट इज अ फीट विच हैज बीन अचीव्ड। सी अब ये देखें आप, दिस रोड इज इन इटसेल्फ अ इंजीनियरिंग मार्वल। गुड गुड जोश, आई एम रिकॉर्डिंग, यस आई एम रिकॉर्डिंग, और होपफुली मेरा एंगल सही है आज, अगर मेरा आज एंगल सही नहीं हुआ तो मैं अपने आप को गोली मार लूँगा। ओ हाउ कैन समबडी मिस दिस, थोड़ा हेलमेट ऊपर करता हूँ सो दैट क्लियर दिखे। ओ माय गॉड इट्स टू गुड यार, थैंक गॉड आई प्लान दिस ट्रिप। ओ यार दिस इज इंजीनियरिंग मार्वल ऑफ इटसेल्फ, जिसने भी ये रोड बनाया होगा ही हैज डन अ फीट, इट इज टू गुड ऑफ अ जॉब। ओ माय गॉड, ओ गॉड, ओ भगवान, हे भगवान, क्या रोड है, रोड तो क्या अच्छा ही है जो एक काट के बना रखे है पहाड़। ओह अमेजिंग अमेजिंग इट इज। Three cheers to the people who had made this road. Amazing skills. Wee! Tashreef,
थोड़ा इंतज़ार करो, आपको अभी बैठ देंगे हम अपनी रखने के लिए तशरीफ। हुई 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 और वो है सतलुज। होपफुली जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे मेरा इंटरनेट चले, तो मैं कल की रिसर्च पूरी करूँगा यार। आई वॉन्ट, थोड़ा सा एजुकेशन भी तो होना चाहिए। फन विद एजुकेशन इज ऑलवेज द बेस्ट। यहाँ पे ये कुछ मेमोरियल टाइप है, क्या है ये, व्हाट इज दिस, ये आर्मी का कुछ बनाया हुआ है, मेमोरी ऑफ, इन मेमोरी ऑफ समबडी था ये। तो आई थिंक यहाँ से पक्का कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा किसी टाइम पे, समबडी वुड हैव लॉस्ट हिज लाइफ, तो उसकी मेमोरी में एक मेमोरी स्टोन आर्मी वालों ने बना रखा है, एंड सैल्यूट टू दैट सोल्जर हु गॉट मार्टर्ड। इन फैक्ट सोल्जर्स गेट नेवर किल्ड, सोल्जर्स ऑलवेज गेट मार्टर्ड। अमेजिंग मैन, अमेजिंग सेक्सी मैन, सेक्सी। I just wanted to show you this road and make you realize that how much of efforts would have been put into this, in this particular patch of the road, jahan pe ye road kaat ke bana rakha tha. Oh, the slant of this road, ye pura, I think ye pura pahad raha hoga, pure pahad ko kaat ke ye road bana rakha hai. And I just think of those days jab ye road nahi hoga, hota hoga to how would people be commuting, those ancient days. God, we live in a very better world in very better times, and we should be thankful. And ye shaukeen log photo khinchate hue bike mein, condition sabhi yahan pe kharab hai. And I think speed भी कुछ ज़्यादा मेरी बढ़ नहीं पा रही है। आई एम गोइंग एन स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड है, 30-35 एवरेज, तो मेरे ख्याल से 20 के आसपास ही आ रही होगी, तो इसलिए अभी आई एम, तभी सब कह रहे थे कि टाइम लगेगा मेरे को, अभी इट इज़ माई एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल टू माई होटल वेयर आई एम स्टेइंग फॉर द नाइट इज 16:06, दैट इज़ 4:06। में हम पहुँचेंगे और अभी टाइम चेक इज़ 2:44, मतलब डेढ़ घंटे के आसपास और मुझे भी लगेगा पहुंचने में। और अभी थोड़ा सा तशरीफ मेरी थैंक यू बोल रही है, तो मुझे लगता है कि एक और ब्रेक लेना पड़ेगा, तो आई हैव अ फैक्ट ब्रेक। एंड माइंड यू, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, डोंट स्मोक। इफ़ यू लव लाइफ डोंट स्मोक, एंड यू इफ यू, एंड इफ यू स्मोक क्विट स्मोकिंग, कह रहा हूँ मैं आपको, छोड़ दो सिगरेट पीना, अच्छी बात नहीं है। हाँ, तो इसके बाद हम एक टेक अ फैग ब्रेक आफ्टर सम टाइम मारूंगा एक दुकाश, और थोड़ी सी मेरी बॉडी को रिलैक्सेशन मेरे को से, बट क्विट स्मोकिंग इफ यू स्मोक, ओके। ओह, तो दिस इज द बैड पैचेस, अच्छी रोड गई भाई, अब आएगी एडवेंचर ड्राइव, तो अब शुरू होगी। ये जो है मेरा एडवेंचर टूरर मेरी धन्नो, अब इसकी असली असल परीक्षा है, असल परीक्षा। And this is only 10% of what we are going to encounter in future days. Aaj mera day, first day was Chandigarh, second day was Narganda, third. Aaj is day 3 and we have got total of 14, 14 din hai hamare paas, to aaj 3 din ho gaye. Warning, shooting stones, to bach ke. Aur jahan bhi aapko aisi warning dikhti hai, don't take it lightly, sahi mein aa sakte hai, jaise ye sab ऊपर से लुढ़क के रखे हैं भाई, सावधानी बरती जाए, सावधानी हटी तो दुर्घटना हटी। और इसके बाद मुझे खड़ा होना ही पड़ेगा, बिकॉज तशरीफ मेरी थैंक यू बोल रही है मेरे को कि अब ना हो पाएगा भैया, हमें रोक दो, हमें हमें कष्ट मत दो। और इसके साथ ही हम आते हैं डैम, द नाथपा झाकड़ी पावर प्रोजेक्ट का डैम। तो मुझे यहीं से ब्रेक लेके देखना चाहिए, दिस इज द बेस्ट प्लेस टू सी, वो पानी बह रहा है और ये पानी आ रहा है मोस्ट ऑफली थ्रू टर्बाइंस, टर्बाइंस को रोटेट करके पानी यहाँ से छोड़ा जा रहा है। और यहाँ पे दिस प्रोजेक्ट इज 1500 मेगावाट्स, वी आर प्राउड हिमाचली एंड वी डिलीवर अदर स्टेट्स ऑल्सो, तो होपफुली आप देख पा रहे होंगे
और ये इसका डैम है, और यहाँ से इसके पीछे से वी गेट टू सी द एक्चुअल फ्लो ऑफ सतलुज एंड वी आर इन नाथपा। वी लेफ्ट झाकड़ी जहाँ से हमने अपनी सिम ली थी, वी हैव रीच नाथपा। एक सेक्शन इसका झाकड़ी में था और एक नाथपा में। नाथपा में मेजर डैम है जहाँ पे बिजली बनती है, और झाकड़ी में आई थिंक उनका स्टोरेज फैसिलिटी कुछ होगी। तो दिस इज द कम्प्लीट नाथपा झाकड़ी पावर प्रोजेक्ट। लॉन्ग डिस्टेंस राइड का एक प्रिंसिपल, जहाँ पे खींच सकते हो भाई वहाँ गेड़ा मार दो, क्योंकि ये कवर मैक्सिमम डिस्टेंस गुड रोड। यहाँ पे धीरे में चलाओ, यहाँ पे एकदम गेड़ा मार के रखो, और जहाँ ख़राब रोड होती है फिर वो आपकी कंपनसेशन हो जाती है, क्योंकि जहाँ पे आपने अच्छे रोड वहाँ पे वो कवर कर लिया होता डिस्टेंस, तो टाइम आप इन अवे आप सेव कर लेते हैं। हाइट चेक 6100 फीट। करचम वांगसू बासपा, ये भी एक पावर प्रोजेक्ट है 300 वॉट का। मतलब सतलुज इज प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ एनर्जी, वी शुड बी थैंकफुल टू सतलुज जो हमारे घर में बिजली आ रही है। आ सकता हो सकता है आपके घर में जो बिजली चल रही है वो सतलुज से बनी बिजली है। थैंक यू सतलुज। लॉट ऑफ वायर्स यहाँ पे हमको रोक के एक तो फोटो फोटो खींचनी चाहिए। पहाड़ों के अंदर से पानी आ रहा है, देख रहे हैं ये, मतलब ये सामने जो तीन चार पाइप्स हैं दे आर टेकिंग वाटर इनसाइड, मतलब फ्रॉम इनसाइड ऑफ द माउंटेन एंड थ्रोइंग इट आउटसाइड ऑन टू द रिवर सतलुज। और ये JSW प्रोजेक्ट है, इसका मैं देख नहीं पाया क्या था। JSW ऐसा प्रोजेक्ट आई थिंक वही है जो 300 मेगावाट का प्रोजेक्ट था। एंड दिस ऑल जो स्टेयरकेस टाइप बना रखा है आई थिंक वो दैट इज अ नेचुरल स्टेयरकेस, नेचुरल है भाई, इट इज़ नॉट समथिंग मैन मेड, इट इज़ अ नेचुरल स्टेयरकेस। फ़ोन को चार्जर में लगाने का टाइम आ चुका है, तो इसके लिए हमने पूरा तामझाम रखा है इसके अंदर। नो सर, इट इज़ इनसाइड दिस पाउच के अंदर, पाउच और उसके अंदर लॉट ऑफ वायर्स। कहाँ है वायर्स? ऐसे छोटे छोटे पाउचेस आर वेरी यूजफुल इन सच ट्रिप्स। दिस इज़ अ USB, GoPro की USB जो इसमें काम आएगी। अब छोटू, हाँ सर जी, कैमरा पुराना, दूरबीन ना सर, पुराना कहाँ से आएगा, क्या करना है आपने हैं, क्या गुम हो गया कुछ? नहीं वो रखा नहीं यार, दूरबीन चाहिए आपको, वो 500,000 तक की आ जाएगी। अच्छा ये तो मिलेगा आपको कहीं, मंडी मुंडी जाओ वहाँ मिल जाएगा, मंडी शिमला, शिमला पक्का मिल जाएगा, शिमला जाओ। पशु बेसिकली ये बकरी बकरी चराने वाले चरवाहे हैं, अपनी बकरियाँ ढूंढने के लिए दूरबीन के लिए पूछ रहे थे मुझसे कि मेरे पास दूरबीन है, दूरबीन कहाँ से आएगी भाई मेरे पास। लोकल्स बैठो जी बैठो, हाँ भी रिकॉर्डिंग, यस वी आर। टाइम कितना बजे? रिकॉर्डिंग टाइम ऑलमोस्ट 1 आवर। और एक गूगल देवी भी, गूगल आंटी भी हमको दिखा रही है सतलुज, और ये हमारा रोड। और इसके साथ लेट अस स्टार्ट वंस अगेन। ओए ओए पीछे कहाँ जा रही भाई? गन्नो डोंट बी नॉटी, इट्स चार्जिंग मैन, इट्स चार्जिंग। ये बहुत ज़रूरी मोबाइल चार्जर विद कम स्टैंड, ये जो स्टैंड है इट इज़ वेरी यूजफुल, बिकॉज इसमें एक तो ग्रिप अच्छी है इसकी, और दूसरा इस स्टैंड में आपका पीछे एक USB चार्जर भी है, तो चार्जिंग भी कर देता है, अपने फ़ोन को भी आप इसमें रख सकते हैं, और दूसरा इसकी ओरिएंटेशन भी आप चेंज कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों वेन से आप रख सकते हैं। ओह नाउ यू कैन सी उमा, बीच में बात करें अच्छी नज़ारा दिखाने के लिए। हाँ तो दिस इज कंप्लीट माउंटेन, जिसको कुछ तो कर रखा है, वो समझ नहीं आ रहा मुझे क्या कर रखा है, इसको चढ़ना भी एक महाभारत ही होगी, सीढ़ी इतनी लगा रखी है इसमें।
JSW पावर प्रोजेक्ट वांगतू कास्टल ऐसे कुछ लिखा था पीछे जो मैं आपको दिखा नहीं पाया। दिस इज़ अ 1000 मेगावाट प्रोजेक्ट। पीछे जो नाथपा झाकड़ी था दैट वॉज 1500 मेगावाट, और उसके अलावा एक साथ में एक और प्रोजेक्ट था जो 300 मेगावाट। तो इन छोटे से नाथपा झाकड़ी एरिया में ही हिमाचल इज प्रोड्यूसिंग। क्या हो गया भाई, इतनी तेज मत जाओ भाई, आराम से। 1500 मेगावाट प्लस 1000 मेगावाट, 2500 मेगावाट प्लस 300, 2800 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बीइंग प्रोड्यूस्ड इन जस्ट दिस स्मॉल बैच ऑफ नाथपा झाकड़ी। सट्टा हिमाचल है, सट्टा हिमाचल। आई लव माय हिमाचल मैन।